हर खबर पर रहना चाहते हैं आगे तो डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस बीच एक और महत्वपूर्ण खबर आपको जाननी चाहिए, कोरोना पर डराने वाली एक खबर है। कैसे नई जिंदगी शुरू करने से पहले एक युवक मौत को खींच रहा है। एक मिनट में पूरी खबर, और ये खबर इसलिए भी देखिए ताकि आप फिर याद रखें, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अभी छोड़ना नहीं है। शादी के माहौल में मौत का मातम, कोरोना से दूल्हे ने दम तोड़ा, शादी के 10 दिन बाद दूल्हे की मौत। ये खबर बेहद सावधान करने वाली है। ये खबर उन लोगों के लिए जो कोरोना से बचने के लिए सुरक्षा उपायों को नजरअंदाज करते हैं। तस्वीर में नजर आ रहा योगेंद्र अब इस दुनिया में नहीं है। मामला उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में नागला गांव का है, जहां 24 नवंबर को योगेंद्र की शादी हुई। शादी के तुरंत बाद योगेंद्र को खांसी, जुकाम, बुखार की शिकायत हुई और शादी के ठीक 10 दिन बाद उसकी मौत हो गई। जांच में पता चला कि योगेंद्र को कोरोना था, लेकिन योगेंद्र ने समय पर कोरोना टेस्ट नहीं कराया। योगेंद्र के कोरोना संक्रमित होने के बाद परिवार की कोरोना जांच कराई गई, जिसमें 9 लोग, दुल्हन, सास, देवर, देवरानी, बुआ समेत अन्य रिश्तेदार भी शामिल हैं। इन 9 लोगों में 8 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिरोजाबाद में संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा 67 हो चुका है। जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 3673 हो गई है। इनमें से 171 सक्रिय मामले हैं।